पन दोस्त सुन यहाँ पर गेम बदल सकते हैं। निनोस जेस्पर उनके सामने है बट शायद वो अभी उठना नहीं चाहते। इज जस्ट प्लेइंग फॉर द सेकंड पोजीशन राइट नाउ। रक्सी भी जाकर के रिवाइव देना चाहेंगे। ऐसे में सुन पूरा गेम बदल सकते हैं। विल ही गो फॉर इट? विल ही गो फॉर इट? विल ही टेक दैट शॉट? इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रीकिंग आईज राइट नाउ बट ही स्टिल वेटिंग। लुक एट दिस। सुन दिख रहे, जेस्पर दिख रहे, रक्सी दिख रहे, अपने टीममेट्स को रिवाइव मिल चुका है बट सुन अब धीरे-धीरे रैंक करके आगे जा रहे हैं। He has everyone on his side. He can take this shot. He has spotted down the players. What is he waiting for? Why is he not actually taking any shot? Is he going for a backstab, a perfect backstab? No one knows. But he's slowly and steadily crawling outside the fight. समझ नहीं आ रहा क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल सामने प्लेयर है यहाँ पर सुंग, उनके बिल्कुल सामने प्लेयर है बट वो पूरे इस सर्कल का ही गोल चक्कर लगा रहे हैं। व्हाट इज ही गोइंग फॉर? क्या यहाँ पर पैन फेंकना चाहेंगे या कुछ और? आई डोंट नो, एक स्नीकी किल निकालेंगे, क्या करेंगे ये प्लेयर? ओह माय गॉड, इस पॉइंट पे ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे उनको ऑलरेडी शॉट्स ले लेना चाहिए था, काफी मुश्किल होने वाला था बट बीटीआर के प्लेयर्स फाइनली पुशिंग करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। जेस्पर के पास वो MG3 था बट बीटीआर स्टिल प्रिवेल सुप्रीम और सुंग अकेले बचे, पीछे से आते नॉक और फिनिश निकालते और साथ ही साथ ओशन यहाँ पे चिकन डिनर डैम वन गेमिंग किया के खाते में जाता हुआ। Okay, so hi guys, this is Roshan and आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में लोग बात करने वाले अबाउट अ स्कैम जो BTR के साथ हुआ। आई मीन आप इस जो लोग PMGC देख रहे हैं उनको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले ये और ये थे और कहीं ना कहीं BTR के प्लेस के साथ बहुत भयंकर स्कैम हुआ, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो यू नो, शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए इस चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो अभी GC में। एंड ये वीडियो पूरा एंड तक देखना बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी इनक्रेडिबल स्कैमी क्लच अगर मैं बोलूँ जो देखने को मिला। सो या लेट्स एक्चुअली बिगिन। यहाँ पर आप देख सकते हो BTR के प्लेयर्स की अगर हम बात करें राइट, उनके प्लेयर्स हैं इस एरिया पर एंड दो प्लेयर्स नॉक्ड हैं। मेरे पीछे यूहाई हैं और जक्सी इस जगह पर है, लक्सी को आप यहाँ पर देख पा रहे हो राइट। सो कहीं ना कहीं रिवाइवल देना इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप चोनबुरी के प्लेयर्स की बात करो तो MS चोनबुरी के एक प्लेयर यहाँ पर जीवित और एक प्लेयर नॉकडाउन है। सुंग जस्ट बैठे हुए, मल्टीपल चांसेस थे कि सुंग यहाँ पर प्लेयर्स को ऑपोनेंट्स को इनफैक्ट टेकडाउन कर सकते हैं बट उन्होंने वो टेकडाउन वाला रिस्क अपनाया नहीं। लक्सी को हल्का सा जोन डैमेज हुआ, वो आए नीचे, रिवाइव देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे बट सुंग की जो पोजिशनिंग है वो ऐसी है कि वो यहाँ पर भी स्पॉट कर सकते हैं एंड वो वहाँ पर भी स्पॉट कर सकते हैं प्लेयर्स को बट कोई उनको स्पॉट नहीं कर सकता क्योंकि एरिया थोड़ा सा उनका हल्का सा अपर एरिया है। बट उसके बाद जो होता है वो आप यहाँ पर देखने वाले हो कि क्या यू नो एट द एंड फाइट में होता है। लक्सी थोड़ा सा आगे चले गए, ही वांटेड टू ओवरकम इट लेकिन इसके बाद वो वापस भी आए थे। अभी आप देखिए क्योंकि आपको पता आप अकेले प्लेयर हो, आप आगे जाकर के फाइट नहीं लोगे। वो धीरे धीरे आगे गए, ही वांटेड टू ओवरकम इट बट इंस्टेंटली यहाँ पर सुंग का POV आप देख सकते हो। व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज प्ले अ वेटिंग गेम। नो वन एंटिसिपेटेड कि ऐसा होगा बट ही डिड दैट, ही प्लेड अ वेटिंग गेम फॉर हिमसेल्फ। इसमें लक्सी को देखिए, धीरे धीरे अब लक्सी पीछे जाएंगे, लक्सी को पता चल चुका है कि यहाँ पर फाइट नहीं लेनी चाहिए और पीछे उनका एक प्लेयर भी है तो वो यहाँ पर पीछे जाएंगे और रिवाइव देंगे। लक्सी जक्सी दो भाई बहुत बेहतरीन खेलते हैं तो वो रिवाइवल गेम शुरू हो चुका है। पॉप्स भी पहुंच चुके हैं इतने में तो पॉप्स भी यहाँ पर रिवाइव होने वाले हैं। सो अब सुंग को देखिए, दिस इज द पोजिशनिंग राइट। BTR इधर रिवाइव, चोनबुरी इधर रिवाइव एंड सुंग यहाँ पर मूवमेंट। लुक एट हिज मूवमेंट, ही विल स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड स्टेडली एंड यहीं पर आप देख सकते हो। मैं खुद को एक्चुअली अगर चाहूँ मैं खुद को उठा करके हल्का से यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए हर किसी का POV आप देख सकते हो। सुंग को कहाँ पर प्लेयर्स दिख रहे हैं, दिस इज वेयर यू कैन जस्ट यू नो सी राइट नाउ, इनको किधर दिख रहे हैं। जेस्पर का लोकेशन लाइक जेस्पर को कोई नहीं दिख रहा है एंड BTR के प्लेयर्स को भी कोई नहीं दिख रहा है। दिस इज व्हाट ऑल इज हैपनिंग। सो नाउ आई विल जस्ट नो प्लेस माय सेल्फ वन सेकंड। एंड अब सुंग को अगर आप देखें, एक्चुअली मैं खुद को, मुझे लगता है मेरे को खुद को उठा करके रखना पड़ेगा, खुद को यहाँ रख लेता हूँ। अब अगर आप सुंग को देखें, देखिए वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो सुंग का POV समझ नहीं आ रहा मुझे खुद को कहां रखना चाहिए बट सुंग का POV यहां पर आप देख सकते हो। धीरे धीरे मूव आउट कर रहे हैं, धीरे धीरे ही इज जस्ट नो मूविंग टू गुड डायरेक्शन फॉर हिमसेल्फ। जोन भी आ रहा, पीछे जोन भी आ रहा तो जोन का डैमेज आपको पड़ता है बट ये जोन के साथ साथ कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं इन अ डायगनल। वो 10 AM के फैशन में मूव कर रहे हैं तो उस हिसाब से इनका मूवमेंट है। क्योंकि आगे से गोलियां चली, आगे ही प्लेयर्स पे ध्यान है तो चोनबुरी के किसी भी प्लेयर ने सोचा नहीं कि पीछे कोई प्लेयर होगा। इनफैक्ट आप देखें तो पॉप्स जो हैं वो उठ चुके थे। पॉप्स को यहाँ पर अगर पॉप्स पीछे हील करने के लिए मूव कर, देखिए ये उठा हुआ प्लेयर है यहाँ पर बट ये अभी भी आगे गोलियां बरसा रहा है। क्योंकि ये प्लेयर आगे गोलियां बरसा रहा है सो अभी भी यू नो सुग जस्ट आराम से मूव कर रहे हैं। दिस इज वेयर दी एंटायर स्कैम हैपेंड।
कि जक्सी आगे थे, जक्सी ने स्पॉट कर लिया एंड पॉप्स भी इस डायरेक्शन से जक्सी को स्पॉट कर रहे हैं एंड जैस्पर जो है, जैस्पर धीरे 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 वो भी रैंक रहे हैं। सुंग अभी भी उस ट्रिगर कंट्रोल में, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने यहां पर प्लेयर है, बिल्कुल सामने उनके प्लेयर है, वो उस हाई ग्राउंड से स्लो ग्राउंड तक आ चुके हैं एंड देयर इज द ट्रिगर डिसिप्लिन, देयर इज दिस ट्रिगर डिसिप्लिन जो इस प्लेयर ने दिखाया। इज लाइक इनको अभी किल्स नहीं चाहिए, इनको प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए। अभी शायद ये प्लेयर ये सोच रहा है कि बहुत अच्छा होगा अगर मैं सेकंड भी आ जाऊं, राइट अभी ये प्लेयर यही सोच रहा है कि बहुत अच्छा होगा मैं सेकंड भी आ जाऊं। और इनफैक्ट मैं दाद देना चाहूंगा इस प्लेयर की, क्योंकि आप देखिए यहां पर डायमोन के प्लेयर हैं, यहां पर बीटीआर का पीओवी है और यहां पर हमें पॉप्स नजर आ रहे जो यहां पर है, ये वहां से नीचे आए हैं बट ये अब इससे ज्यादा आगे अगर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बीटीआर इनको स्पॉट कर लेगी। सो ये ऐसे पोजीशन पर है जहां पर कोई इनको देख ही नहीं सकता और ऐसी पोजीशन पर भी रुकना चाहेंगे, थोड़ी देर में ये यहां पर रुक जाएंगे और बीटीआर पुश कर देगी। अब बीटीआर जब यहां पर पुश करती है, आप देखिए, अब खैर मैं खुद को नीचे रख लेता हूं, यस अब बीटीआर जब यहां पर देखिए पोजीशनिंग क्या है, ये धीरे 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 यहां पर आ चुके हैं, उस जगह से इनका मूवमेंट पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में रहा है एंड दिस वेयर ही इज। एंड जब वो यहां से यहां आए तो जैस्पर यहां से यहां चले गए, एक दूसरे से कभी भी सामना हुआ ही नहीं इनका, बिल्कुल एक दूसरे को जाना नहीं, समझाने की कौन है कौन नहीं, तो धीरे धीरे चले गए। लेकिन अब यहां पर आती है बाकी प्लेयर्स की बारी, हर कोई फाइट लेना चाहता है। सुंग आप देख सकते हो स्पॉट कर लिया उन्होंने प्लेयर्स को, यहां पर देखा हुआ है कि यहीं पर प्लेयर्स हैं। अब बीटीआर रश कर देते हैं क्योंकि आप जक्सी को देख सकते हो, दिस इज वेयर जक्सी इज, आप जक्सी को देखिए रश कर चुके हैं एंड दिस रश फ्रॉम बीटीआर ये बहुत ज्यादा डेथ रश बन चुका है। सुंग अभी भी बैठे हुए, ही इज नॉट शूटिंग एट ऑल, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट अब जाकर के इनके शॉट्स यहां पर शुरू होंगे, दिस इज वेयर ही विल स्टार्ट शूटिंग। क्योंकि अब अगर आप देखें बीटीआर के जक्सी नजर आ रहे हैं आपको दो पीओवीज में, सो मैं खुद को एक पीओवी पे रख लेता हूं यहां पर, ज्यादा मतलब मैं बोलूंगा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है किधर प्लेयर है किधर नहीं, बट आप देखो अब बीटीआर के जक्सी लक्सी आपको नजर आ रहे हैं कहां पर है प्लेयर्स एंड सुंग है। सो नाउ व्हाट सुंग डज इज, नाउ वंस ही नोज की थ्री अलाइव, इट्स थ्री अलाइव, ही स्टेप्स अप एंड ही शूट्स, एक प्लेयर डाउन दूसरा प्लेयर डाउन, इनकी पहली गोली। आप देखिए लक्सी तो पहले से ही डाउन थे, लक्सी की एचपी पहले ही बहुत कम थी, इनको जक्सी को डाउन करना है, इन्होंने पहले शॉट्स ही उस प्लेयर पे लिए, आई नो वेरी गुड रीड, शॉट्स पहले उस प्लेयर पे लिए, दूसरे को तो एक गोली मारी एंड ये पूरा गेम निकाल गए। दिस गेम वुड हैव बीन अदरवाइज, ये गेम बीटीआर का था, ये गेम चोनपुरी का था, बट ये गेम कभी भी डीकेजी का नहीं था। जिस तरीके से आपने गेम देखा ये गेम कभी भी डीकेजी का था नहीं, इनफैक्ट जिस तरीके से शुरुआत हुई अगर आप यहां पर भी देखें, इस समय पर भी अगर कोई, अगर बीटीआर के प्लेयर्स अगर इधर से घूम के आते तो शायद स्पॉट कर लेते, अगर बीटीआर के प्लेयर्स इधर से इस पेड़ पर रुकते तो शायद स्पॉट कर लेते, लेकिन बीटीआर के प्लेयर्स ने क्या सोचा, यहां से आगे जाते हैं रश करते हैं एंड वेल टेक डाउन करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ चेंज एवरीथिंग। अब बात है मेरे को एक बात बताना, आज वैसे राइजन को नहीं खिलाया, एंड मैं देख रहा चैट में काफी लोग पूछ रहे हैं राइजन क्यों नहीं खेले, क्यों नहीं खेले, क्या डिसीजन था कि यूआई और लिक्विड को खिलाया गया। आई गेट इट, राइजन बीइंग अ राइजन फैन इट जस्ट यू नो कैन हर्ट्स अ लॉट, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट आर योर थ्योरीज एंड ऑल, कि क्या लगता है, क्योंकि कहीं सुनने में आ रहा था कि वो शायद उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो ये डिसीजन मे भी हो सकता है कि बाकी प्लेयर्स को खिलाया जाए, यू नेवर नो राइट, बट ऑल एवरीथिंग अपार्ट दिस प्लेयर काइंड ऑफ चेंज्ड एवरीथिंग फॉर द टीम for the opponents and I am pretty sure किसी ने anticipate किया ही नहीं होगा कि BTR के against ये scam हो सकता है, but well it happened. So what are your views on this? Do let me know in the comments below and मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay indoors, stay awesome and peace out guys. Have a really amazing day. Thank you very much for watching. See you soon.